कि 5 साल बीते नहीं थे और इतने बड़े फिल्म मेकर दत्ता साहब, जेपी दत्ता साहब, अपने अपनी सबसे बड़ी फिल्म में आपको कास्ट किया, कुछ याद आता है कि और क्या एक्साइटमेंट था कि मैं एलओसी में हूँ? क्योंकि उस समय एलओसी की जब कास्टिंग हो रही थी एक अलग तरह का माहौल था, जेपी दत्ता का नाम था। जी हाँ, बॉर्डर के बाद वो पहली फिल्म, अगली फिल्म बना रहे थे जो वॉर की वो थी। मैं खुद एक फौजी बच्चा हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझको एक यूनिफॉर्म पहनने को मिलेगी, एक अलग गर्व था मेरे में। मुझे याद है मैंने अपनी मदर को फ़ोन किया था, बोला कि मैं, चलिए मैं पूरा फौज में नहीं घुस पाया मगर कम से कम रोल तो कर ही रहा हूँ। सो और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत प्यारी प्रोडक्शन, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जेपी साहब खुद इतने टैलेंटेड थे कि टू वर्क विद हिम, टू बी ऑन द सेट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक दैट वाज स्टूड आउट मोस्ट फॉर मी। मतलब वो जो लाइनें लिखते थे, जैसे शॉट ब्रेक डाउन करते थे, मतलब अनदर लेवल ऑफ फिल्म मेकिंग। ये वो दौर भी था जब भट्ट साहब नए लोगों के साथ काम करते थे, रामू के साथ तो आपने काम कर ही लिया था, अब भट्ट साहब के यहाँ आपकी एंट्री हो गई रोग से। जी हाँ, कैसे, कहाँ, क्या हुआ था? मतलब आई थिंक वो रोल पहले एक पाकिस्तानी सिंगर करने वाले थे, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उनको वीज़ा नहीं मिला तो लास्ट मिनट में मुझको बुलाया गया, और मतलब पूजा जी से मीटिंग हुई और सब कुछ फाइनल हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि उस फिल्म में इरफान खान एक रोल प्ले कर रहे थे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, बिकॉज इरफान भाई का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था बहुत शुरू से। और दो चार बातें मुझे याद हैं कि एक सीन था कि इरफान मुझे थप्पड़ मारता है मेरे कैरेक्टर को, तो मैंने रिहर्सल में बोला भट्ट साहब को, भट्ट साहब की उनको बोलिए, और बहुत ही पावरफुल रोल था, बहुत ही इंटेंस रोल था, कि उनको बोलिए कि मुझे थप्पड़ सही में मार दे, उससे हम दोनों सीन में एक पल में घुस जाएंगे। तो इरफान तब मुड़ के बोले, भाई बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो ऐसा बोलते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे को कोई डर नहीं है, मेरे को कोई शौक नहीं है, मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं थप्पड़ नहीं खाऊंगा, वो पुरानी बातें, हम लोग सब एक रोल अदा कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस इज़ हैपनिंग। एंड पूरी फिल्म ख़त्म होने के बाद भट्ट साहब बैठे मेरे साथ, मेरे पीठ पे हाथ फहराया और बोला कि यू नो यू आर वेरी एजुकेटेड एंड वेरी फाइन मैन, एंड दैट इटसेल्फ विल बी योर ऑब्स्टिकल इन द इंडस्ट्री, बट डोंट वरी, यू विल फाइनली मेक इट। सो आई होप आई फाइनली मेक इट। ख्वाहिश की पूरी लाइमलाइट मल्लिका शेरावत ने ले गई। हाँ जी, और अपने आप को एस्टैब्लिश भी कर लिया, मतलब आपका इस्तेमाल हो गया पूरी तरीके से। नहीं, मैं मल्लिका को बहुत आप कहते नहीं थे, पूरा फायदा उठा लिया तुमने मेरा। नहीं देखिए, उसमें मल्लिका उस समय में उसने एज अ हीरोइन, एज एन एक्ट्रेस जो किया तब कोई करता नहीं था, तो उनकी दाद देनी पड़ेगी कि इतने किसिंग सीन्स करना और इंडस्ट्री में घुसना। तब तो ये होता था कि अगर ज़्यादा ये सब करेगी तो कहाँ, एज एन एक्ट्रेस ख़त्म हो जाओगे आप। मैं उनकी दाद देता हूँ, आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज़ डन वेल, शी गॉट गुड ब्रेक्स आफ्टर दैट, शी हैड गुड हिट्स आफ्टर दैट, और बस उसकी मैं अपनी जर्नी में हूँ और वो अपनी जर्नी में। टच में आप मल्लिका दोस्त तो हो गई? कभी कभी ज़्यादा नहीं।